वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बैंक डिपॉजिटर्स के आज आपको बता दें कि पीएम मोदी इन्हें संबोधित करेंगे और इनसे संवाद करेंगे। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे गिनाएंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही विज्ञान भवन में पीएम देंगे अर्थ ज्ञान। पीएम मोदी आज बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को करेंगे संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित एक समारोह को संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत सभी तरह के खाते, सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट और सिक्योरिंग डिपॉजिट आते हैं और इस दौरान पीएम मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे भी गिनाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है, बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे गिनवाएंगे। इसके साथ ही विज्ञान भवन में पीएम मोदी देंगे अर्थ ज्ञान। बैंक डिपॉजिटर से पीएम मोदी करेंगे संवाद। ज्यादा जानकारी के साथ गुलशन सैफी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुलशन, क्या कुछ जानकारियां हैं पीएम मोदी के इस प्रोग्राम को लेकर? जी दीप्ति, आज ये मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में संबोधित करेंगे, जहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ साथ आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय वित्त मंत्री भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करके सब तमाम जो फायदे हैं बैंक डिपॉजिट के, इंश्योरेंस के, उनको बताने का और समझाने का वहां पर प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 लाख रुपए तक की जो जमा राशि होगी उसकी समयबद्ध भुगतान की गारंटी होगी। ये देश में पहली बार किया जा रहा है और ये एक सभी तरह के खाते, जैसे मान लीजिए आप सेविंग खाता चलाते हैं, करंट खाता चलाते हैं, आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट होता है, ये तमाम तरह के जितने भी खाते होंगे उन सब में लागू होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो या फिर राज्य सरकार जिनको संचालित करती है वहां रहते हो, आप तमाम जगह इन बैंकों में इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इनके अंतर्गत सहकारी बैंकों में भी इस सुविधा को दिया जाएगा। जी गुलशन, इसके साथ ही लोगों को फायदा इससे किस तरह से पहुंचेगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बैंक में जमा धनराशि एक निश्चित रूप से वो गारंटी होनी चाहिए उसकी कि वो हमें समय पर भुगतान हो। अक्सर हमने देखा है कि कितने ही बैंक दिवालिया हुआ या बैंकों में जब घाटा आया, वित्तीय घाटा आता है, तो बैंकों में जो जमाकर्ता होते हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको कई बार अपनी रकम से भी हाथ धोना पड़ता है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को वो खुद ही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब 5 लाख रुपए तक की गारंटी होगी कि आप उसको समय पर आपको मिलेगा और उसकी जमा की आपकी गारंटी रहेगी, तो ऐसे में निश्चित रूप से निवेशकों का जो है ना मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने के साथ ही इसमें बैंकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन, और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन में भाजपा के सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित देश भर के 3000 से अधिक धर्माचार्य, संत और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे और इसका देश भर में 51000 से अधिक संस्थानों में सीधा प्रसारण किया जाएगा और 51000 से अधिक स्थानों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए काशी पूरी तरह से तैयार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि 20 से 25 फीट चौड़ा कॉरिडोर गंगा पर ललिता घाट को मंदिर परिसर में मंदिर चौक से जोड़ेगा। प्राचीन काल की तरह एक शिव भक्त हर सुबह पवित्र नदी में डुबकी लगा सकता है और मंदिर में भगवान शिव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है, जो अब इस घाट से सीधे दिखाई देगा।
तो आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी का दौरा करेंगे कल, और बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, और इसके साथ ही लगातार वहां से भव्य तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हम अपने रिपोर्ट के जरिए लगातार आप तक उन तस्वीरों को भी पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम जो है बनकर तैयार हुआ है और इस कॉरिडोर का उद्घाटन कल पीएम मोदी करेंगे, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र विकास की रास्ते में किस तरह से आगे निरंतर बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, और इस दौरान वो बहुत बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। वाराणसी की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम को लेकर हर कोई बहुत खुश है, और कल से इस कॉरिडोर का उद्घाटन हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, उसके बाद जो है लोगों में लगातार वहां पर पहुंचने के लिए, वहां एक झलक पाने के लिए लोग जो हैं व्याकुल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देश विदेश से लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। देश के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ 13 तारीख को लोकार्पण करेंगे, और यहाँ की जो काशी की जो जनता है उसके अंदर एक उल्लास है। और सबसे अहम बात है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, उन्होंने 13 तारीख को यहाँ पे सारे संस्थान बंद कर दिए हैं। दीप्ति, बिल्कुल। और सचिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया, काशी को स्वच्छ सुंदर सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कई अभियान पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत भी की, और अब युद्ध स्तर पर चल भी रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? यहाँ बता दूं मैं आपको कि नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं प्रणय सिंह, और यहाँ के जितने भी तमाम अधिकारी हैं, सारे के सारे कॉरिडोर का जायजा ले रहे हैं, और बाकायदा यहाँ सुरक्षा और साफ सुरक्षा को देखते हुए सारे आला अधिकारी जितने भी बनारस के हैं, वाराणसी के, देश के प्रधानमंत्री के आगमन पे पूरी की पूरी कड़ाई के साथ, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी है। कल इस कार्यक्रम को लेकर कुल कितने लोग पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं इस भव्य कार्यक्रम में? इस भव्य कार्यक्रम में 3000 अभी अतिथि हैं, बाकी कॉरिडोर के बाहर भी लोग वहां इकट्ठा होकर देख सकते हैं, ऐसा वो है। और दूसरी चीज ये है कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, काशी की जनता के अंदर एक उल्लास है, और इस कॉरिडोर को लेकर के। देखिए, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, ऐसे में कई बड़ी सौगात भी देंगे, और उसमें सबसे ज्यादा खास होगा काशी विश्वनाथ धाम, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम का इंतजार हर कोई कर रहा है कि इस कॉरिडोर का जल्द से जल्द उद्घाटन हो। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क चैनल।